हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आज गया था ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो आरआरसी सिल्क में जो चेयरमैन सर है उनसे बात करने के लिए। पहली बात की तो हम लोग को रेल कुंज में एंट्री देने में ही बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे। वो लोग सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे छोड़ ही नहीं देते। फिर भी बहुत मुश्किल से मैंने एक जो मैम है असिस्टेंट सीपीओ मैम है तो उनसे मैंने बात किया। उनसे बात करके बोला कि मैम आप थोड़ा वहाँ बोल दीजिए कि हम लोग को एंट्री दें। तो हम चार लड़के थे, चार लड़कों को एंट्री दिया और देने के बाद अंदर जाने के बाद तो बहुत सारे लोग रहते हैं पर्सनल सेल में। तो वहाँ पे मैंने बड़ा बाबू होते हैं पर्सनल सेल में उनसे भी बात किया, सबसे बात किया धीरे धीरे। लेकिन सब लोगों ने फिर फाइनली बोला कि आप जाओ आरआरसी सेल सर से बात करो, आरआरसी सेल के जो चेयरमैन सर हैं उनसे बात करो। तो उनके केबिन में गया, मैं गया और मेरा एक दोस्त था जो हम लोग चार लोग गए थे, उसमें से एक दोस्त थे, दोनों मिलकर गए केबिन में। केबिन में जा करके मैंने पूछा सर को कि सर हम लोग के ट्रेनिंग के रिगार्डिंग क्या हो रहा है। तो जैसे ही सवाल मैंने पूछा सबसे पहले उनका ये जवाब था, तुम लोग तो ट्विटर में तो बार बार परेशान करके रखे ही हो, अब तो ऑफिस में आने लगे। बोला कि नहीं सर, एक्चुअल में हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए परेशान कर रहे हैं, तो क्या मतलब बनता हम लोगों को। तो फिर उसने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है कि इतना टाइम लग रहा है। हर एक साल जब भी हम लोग ALP की वैकेंसी निकालते हैं तो ALP की वैकेंसी में मिनिमम भी 2-3 साल लगा ही देते हैं, क्योंकि वैकेंसी हम लोग ज़्यादा निकालते हैं इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो ऊपर से ईस्ट कोस्ट में दो जगह आता, सिकंदराबाद और हमारा ये जो खुर्दा वाला जो है, ये खुर्दा और संबलपुर। तो इस तरीके से वो उन्होंने मुझे सब बताया। फिर बहुत सारा बात उन्होंने पूछा कि सर हम लोग ऑलरेडी 2.5 ईयर्स से वेट कर रहे हैं सर। तो बोले क्या करोगे, तो करना ही पड़ेगा, नौकरी पाने के लिए तो सब करना ही पड़ता है सर, ऐसा उन्होंने समझाया। फिर मैंने बोला कि सर बहुत सारे जोन में ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो रहा है, बट हम लोगों के जोन में सर ऑनलाइन ट्रेनिंग भी नहीं हो रहा है और ऑफलाइन भी हो रहा है तो सिर्फ एक ही ट्रेनिंग सेंटर पे हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी देर हो रही है। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन की तो बात तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। अच्छा हुआ कि उन्होंने ऐसा बात बोला। अगर वो बोलते कि नहीं हम लोग नहीं करा सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन वो पॉसिबल नहीं होता, अगर ऐसा बात बोलते तब तो मैं उनको जरूर बोलता सर बिलासपुर सब कैसे कर रहा है। फिर भी मैंने एग्जांपल दिया उनको कि सर बिलासपुर सब में ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रहा है बट हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ऑनलाइन में हमारे पास ऑनलाइन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर चाहिए उसके लिए, बहुत सारे डिजिटल चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने बोला कि नहीं सर ठीक है, तो फिर सो हम लोग के पास क्या ऑप्शन बचता है। तो बोला तुम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक साल और वेट करो। मैंने कहा सर ऐसे सिंपल सेंटेंस में आप बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग सर पुरानी नौकरी छोड़ के जो प्राइवेट में से छोटी मोटी जॉब करते थे वो सबको छोड़ करके हम लोग वेट कर रहे हैं ऑलरेडी 2.5 ईयर्स से। तो लेकिन क्या करता, उन्होंने समझाया, अच्छे से समझाया, कोई रूडली बिहेव नहीं किया उन्होंने, बहुत अच्छा रिप्लाई दिया कि अभी तो वेट ही करना एक ऑप्शन बचता है। ऊपर से हम लोग जो है कोरोना को लेकर के भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया है और ट्रेनिंग सेंटर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे कोरोना की वजह से। तो कोरोना को भी एग्जांपल दिया उन्होंने। तो फिर मैंने बोला कि सर फिर फाइनली आपकी तरफ से क्या एफर्ट है इसके लिए। बोले कि देखो ऐसा बात नहीं, हम लोग बैठे हुए नहीं है, तुम लोग जितना परेशान हो उतना ही परेशान हम लोग भी हैं, हम लोग काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं और डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स में हम लोग खुद प्रपोजल भेज रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर बहुत सारे जोन ऐसे हैं जिनका ट्रेनिंग सेंटर खाली हो चुका अभी। तो हाँ वो मुझे पता है बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर खाली हो चुका है, लेकिन वो खाली जो हुआ है वो हो सकता है 10 दिनों के लिए या 15 दिनों के लिए, उन्होंने ऐसे बताया। वो 10 दिन 15 दिनों के लिए खाली हुआ है तो 10 दिन 15 दिनों के खाली होने से उसमें तो नहीं हमें 60 डेज की ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो उनका कहने का मतलब जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है ना उसके बीच में जो गैपिंग्स होता है ना बैच का, उसके बारे में वो समझ रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर तो फिर हम लोग क्या करें सर बताइए। तो उनका कहना है कुछ नहीं, थोड़ा दिन और वेट करो और जैसे ही सब कुछ ठीक ठाक होगा हम लोग दूसरे तीसरे जगह पे प्रपोजल भेज रहे हैं। तो वो अपनी तरफ से यही बात समझाया मुझे। तो यही सब बात हुआ और इसके अलावा, और फिर मैंने बोला कि सर पटना, मैंने ये बात नहीं बोला, उनकी तरफ से ये बात सुनने को मिला। उन्होंने बोला कि बहुत सारे जोन में तो देख ही रहे हो कि वैकेंसी ले लेते हैं और फिर जो है बाद में बोलते हैं वैकेंसी नहीं है, तो लेकिन तुम लोग पूरा श्योर रहो कि हमारे जोन में ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि ईस्ट कोस्ट किसी के साथ ऐसा नहीं करती है। तो उन्होंने इस बात को बोला तो थोड़ा खुशी मिला, लेकिन तो यही हो सकता और क्या। और इसके अलावा कुछ उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो बोले कि सर फिर हम लोग तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड। बोले कोई जरूरी नहीं फ्रस्ट्रेटेड होने की, जैसे ही लॉकडाउन सब उठेगा धीरे धीरे हम लोग सब चीज़ को प्रोसेस में ला रहे हैं और हम लोग चुपचाप नहीं बैठे हैं, हम लोगों को अच्छे से पता है कि ALP वाले वेटिंग कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि सर JEE वालों की तो ट्रेनिंग तो करवा रहे हैं आप लोग। तो बोला देखो JEE वालों की बात अलग है और तुम लोगों की बात अलग है, तुम लोगों की ट्रेनिंग जो होती है पूरी तरह से स्टिमुलेटर के ऊपर होता है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। तो बोला कि हाँ तो JEE वालों का ऐसा नहीं होता, उन लोगों का रिटर्न ज़्यादा होता है इसीलिए। तो यही सब बात हुआ और इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग वहाँ से काफ़ी देर 15-20 मिनट शायद बात किए होंगे हम लोग सर से, और बहुत ही अच्छे सर थे, बहुत अच्छा रिप्लाई भी किया उन्होंने, तो अच्छा लगा सर से बात करके। तो मुझे लग रहा है कि वो सर ध्यान में तो रखेंगे, लेकिन वही है कि ईस्ट कोस्ट की ये बदकिस्मती समझते हैं कि इनके पास अपना ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं है और ये इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं उस टाइप का जो ऑनलाइन क्लासेस करवा सके हम लोगों का। बस इतना ही बात हुआ।